हाँ जी, बच्चे बिगड़ बाप नहीं रह सकते और बाप बिगर बच्चे नहीं रह सकते। और दूसरा है, मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप से पाठ बजा रहा हूँ तो ये बिल्ली जानती है, मुश्किल जानती है, ये कितने की लागू होती है। तिरसठ जन्म में जो जितना साथ रहे होंगे, लगातार साथ रहे होंगे तो उनके ऊपर पहले लागू होगी, जिन्होंने साथ नहीं निभाया होगा, धोखा दिया होगा, दूसरों का संग ले लिया, बाप का साथ छोड़ दिया तो उनके ऊपर लागू नहीं होगा। क्या बात लागू नहीं होगी? बाप के बगैर बच्चे नहीं रह, बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकते। उन्हें साथ चाहिए, कोई भी इंद्रिय का साथ चाहिए, भले ग्यारहवीं इंद्रिय मन का ही साथ क्यों न हो, आंख का साथ चाहिए, कान का साथ चाहिए, मुख का साथ चाहिए, चाहिए जरूर। कोई घड़ी ऐसी न जावे जो साथ न हो, सपने में भी रहे तो साथ ही बन करके रहे, नहीं तो सुसुप्ति हो। जैसे कि परमधाम में टाइम की याद नहीं रहती, आठ ही सजा से दस्ते जरूर साथ दिया होगा आदि से लेकर अंतिम जन्म तक। लेकिन ये बोला है इस वक्त के बच्चे बनकर भी मैंने सजा करना अच्छा नहीं है। आठ के बिना ये 108 की माला है ना बाबा, आठ छोड़कर जो 100 होती है, 100 उनकी माला हर एक धर्म में फिराई जाती है ना, 108 की माला हर एक घर में कहाँ फिराई जाती है, मुसलमानों में कहाँ 108 की माला होती है। एक सौ आठ की माला को महिमा है ना, 108 की माला की महिमा है, परंतु हर एक घर में हर एक धर्म में नहीं घुमाई जाती, सिर्फ 8 ही घुमाई जाती है। 8 की महिमा सब धर्मों में है, क्योंकि सब धर्म वाले जानते हैं, वो फरिश्ते के रूप में उनको मानते हैं। 8 फरिश्तों ने खुदा का तख्त उठाया, ये जिम्मेवारी का तख्त है, विश्व की बादशाही का तख्त है, जो 8 विशेष सहयोगी बनते हैं आज से लेकर के अंत तक। और రెండు గంటల నుంచి 3 గంటల ఆ మధ్యలో లేచి ఎక్కువగా యాద్ చేసి తెల్లవారులు ఉన్నప్పుడు తెల్లారి ఎక్కువ పరిస్థితులు ఎదుండ గొడవ వస్తుంది, మరి శరీరం ఏమి సహకరించిపోయినా 2 నుంచి 3 నిద్ర పట్టదు రాత్రి, మళ్ళీ నిద్ర కూర పట్టలు రావు, ఆర్ బోలో కుచ లంబి కథ కహనియా కరో। आप ही कर दो ट्रांसलेट। तो 2 से उठकर 3 को याद करते हैं ना, याद करते हुए अभी बहुत समस्या आ रहा है,
समस्या किनके सामने आएगी? शरीर भी तो सहयोग नहीं देती। शरीर किनका सहयोग नहीं देगा? ऐसे तो नहीं सबका शरीर सहयोग नहीं देता है, सबके संबंधी सहयोग नहीं देते हैं। तो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म किसके हैं? हमारे। ये पूर्व जन्मों के कर्मों को क्यों भूल जाते हैं बार बार, जो बार बार ऐसे प्रश्न बुद्धि में आते हैं? पापा मैंने चला एक्शन फोड़ा अंदर गए। अरे की बात तो पूरी होने दो। हाँ जिन्होंने झगड़ा किया होगा उनके सामने झगड़ा ही आएगा, लेकिन ये बात वो बेचारे भूल जाते हैं कि हमने झगड़ा किया है, इसलिए बाप की सभा में भी कंप्लेंट करते हैं बार बार। और बार बार कंप्लेंट करने की दरकार नहीं है, बाबा ने तो 84 जन्मों का हिसाब किताब बता दिया। और तो प्रिंस प्रिंसेस जो है ना बाबा, प्रिंस प्रिंसेस जो है वो तो स्वाधीन नहीं है, वो तो आधीन है। प्रिंस प्रिंसेस हाँ जी, ये प्रिंस प्रिंसेस से भी शाहूकार प्रजा बनना अच्छा बनता है। शाहूकार ये बोला है बोले ठीक है, लेकिन ये नंबर बार पवित्रता की पुरुषार्थ माना 16108 की ना, तो पुरुषार्थ उद्धार करने वाला 16108। लेकिन जो शाहूकार प्रजा है वो पवित्रता को माना ज्यादा महत्व नहीं देती है, तब वो मुंश कैसा होता है? क्योंकि ब्राह्मण जन्मों में पुरुष आते बुद्धि पवित्र बनती है, तो जिनकी बुद्धि पवित्र बनेगी वो सुखी ज्यादा रहेंगे, और जिनकी बुद्धि अपवित्र बनती है और जितनी जास्ती अपवित्र बनती है उतने दुखी ज्यादा रहते हैं। पवित्र माने एकदम व्यभिचारी और अपवित्र माने एकदम व्यभिचारी। वैश्यालय में होता है दुख, अति दुख होता है वैश्याओं को, और शिवालय में होता है सुख। जो साहूकार होते हैं वो ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं या ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन पदाधिकारी होते हैं। बिजनेसमैन ज्यादा साहूकार होते हैं क्योंकि उनको बहुतों के संसर्ग में संपर्क में आना पड़ता है, तो उनको संघ का रंग भी जास्ती लगता है। बाकी हाँ, दास दासी बनने से तो अच्छा है साहूकार बने, क्योंकि साहूकार जो होते हैं बड़े बड़े साहूकार राजाओं को भी मदद दे देते हैं, राजाओं के साथ सभा में बैठेंगे। दास दासियों को साथ नहीं बैठने दिया जाता। जरूर दास दासी वो बनते हैं जो विभिचार में आसक्त हो जाते हैं। एक बाप के महत्व को भूल करके औरों का संग करने लग पड़ते हैं।
बाबा 16108 को नंबर वार हो जाएगा बाबा। 16108 नंबर वार इसीलिए होते हैं कि वो श्रीमत पर पूरा नहीं चल पाते हैं, इसलिए नंबर वार हो जाते हैं। तो नंबर होते वो अगर समर्पित हुए बाप के परिवार में आए तो उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी हो जाती है श्रीमत पर चलने की, और बाप की जिम्मेवारी हो जाती है उनको उच्च पद दिलाने की। जो सरेंडर नहीं हुए हैं उनकी जिम्मेवारी बाप की नहीं है, क्योंकि बाप ऊंचते ऊंचे हैं तो बाप के बच्चे भी ऊंचते ऊंचे पदाधिकारी होने चाहिए, जन्म जन्मांतर के राज परिवार के होने चाहिए। संस्थी करने से भी नीचे गिरते हैं। बाबा पेरिमिंट योगा ज्ञा बोत रोग दी निजेन अंदर मरी रोग दी हेतर कदा पिरामिड ध्यान है ना। हाँ जी, उसके पास कई लोग जा रहे हैं इसी भाव से, वो जान से ही जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। हाँ तो ये सही है नहीं, उससे ज्यादा तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, उससे ज्यादा तो औलियों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, उससे क्या होता है? कोई स्वर्ग बन जाता है क्या? बीमारियां सदाकाल के लिए खत्म हो जाती हैं क्या? मरी मैं आड़ों कुर्चनी वालू याद चेयचा लेदा पिरामिड कुर्चनी वाल तो मैं निन्नु चेयचा याद जाने वाले लोग हैं ना, उसके बीच में बैठ कर हम ये हमारी याद कर सकते हैं या नहीं पूछ रहे हैं। अरे बाबा ने कहा कहीं भी बैठ करके याद करो। पक्ने कटे इंट अच्छे अच्छे के साथ बैठ करके याद करेंगे तो संघ का रंग अच्छे का लगेगा, लेकिन अगर खराब लोगों के साथ बैठ करके याद करेंगे और फिर भी याद के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो आप पावरफुल आत्मा बन जावेंगे। मनोवर चाल मंदिर जारी पोर कदा पिरामिड योगा की रोग तीन अटे हेल्लीत कदा कई लोग हमारे तो हमारे लोग हैं ना बाबा, हमारा परिवार उनसे प्रभावित होकर वो उससे जा रहा है। दुनिया कौन किससे प्रभावित होके कहाँ जा रही है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, हमारी बुद्धि उनमें क्यों जाती है? हमारी भी बित बित लगी हुई है, ये कहाँ जा रहे हैं? మీకు రోగాలు తగ్గుతున్నాయా ఏమన్నా ఇక్కడికి వెళ్తే అని అడుగుతున్నారు. మనం అడుగుతున్నాం పాయింట్. काशी में जाकर जो मरते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ऐसा है ना कहानी है ना बाबा? हाँ जी, तो यहाँ मरना मना जीते जी मरना है। काशी मना काशी जो चैतन्य काशी है उसके पास होकर जीते जी मरना, यानी उस जैसे जीते जी मरना, उसका अर्थ क्या है? यहाँ चैतन्य काशी है ना। दूसरी नंबर एक होती है राहु की दशा, एक होती है बृहस्पति की दशा। राहु में तो भगवान नहीं आता है और बृहस्पति में तो भगवान आता है, और भगवान ने जिस नगरी की स्थापना की है वो नगरी तो दुनिया में परम पवित्र नगरी होगी ना, तो संघ का रंग के मरते समय कैसा लगेगा? ऊंचते ऊंच संघ का रंग लगेगा। तो ऐसे वायुमंडल में जो शरीर छोड़ेगा कहाँ जावेगा? परम गति को पावेगा। मन तो चैतन्य काशी जहाँ है वो जाकर वहाँ जाकर जीते जो मन है वो बुद्धि से जाओ,
बुद्धि में अगर भव्यता भरी हुई है, बुद्धि में अगर मान सम्मान ऐसा श्रेष्ठ भरा हुआ है कि हम ऐसे संघ के रंग में आवेंगे जहाँ फाउंडेशन पड़ रहा है नई दुनिया का, उससे ऊंची चीज और कोई होती ही नहीं। तो यहाँ बैठे बैठे भी हम काशी में हैं, बुद्धि में वो मान सम्मान बैठना चाहिए। और जो संगठन हैं, और जो धर्मों के धर्म स्थापक हैं, उनका जो धर्मों का संगठन है उसमें बुद्धि की मान्यता उतनी न बैठी हो। और ब्राह्मण के जीवन में बाबा किसको ज्यादा महत्व देते हैं, मतलब याद को ज्यादा महत्व देते हैं या प्योरिटी को महत्व ज्यादा महत्व, क्योंकि तो फलित नगर एक काशी है तो याद में सबसे टीका है बाप बाप के बाद, लेकिन जो नारायण वाला नारायण को नारायणी नशा ज्यादा होती है, ये प्रिय नगरी है, दूसरी तरफ नारायण की नशा, इस दोनों में क्या श्रेष्ठ माना? ये सिर्फ भोजन खाते रहेंगे और पानी नहीं पिएंगे तो क्या हाल होगा? पचता नहीं, पचेगा ही नहीं। काशी नगरी तो काश्य शब्द से बनी हुई है, काश्य माने याद का तेज, लेकिन हमारा प्रवृत्ति मार्ग है याद भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। काशी नगरी रुद्रमाला की मुख्य है या विजयमाला की मुख्य है? तो फिर जब रुद्रमाला की मुख्य है तो पुरुष है या स्त्री है स्वभाव संस्कार से? तो जो भी पुरुष होते हैं वो सब दुर्योधन दुशासन होते हैं, जबरियन कब्जा करने की प्रवृत्ति होती है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए नारायणी का नशा चाहिए, वो कभी किसी पर कब्जा नहीं करना चाहती, राजाई नहीं करना चाहती। मिलती है राजाई भगवान से, लेकिन राजाई करती है या राजाई देती है? कौन, लक्ष्मी? हाँ, राजाई देती है ना, करती नहीं। लक्ष्मी अकेली नहीं है, लक्ष्मी के साथ महालक्ष्मी भी जुड़ी हुई है। तो जो महालक्ष्मी है वो जगदम्बा है, वो राजाई देने वाली है, बच्चों को देती है, लेकिन बाप की उतनी सहयोगी नहीं है जितनी लक्ष्मी सहयोगी बनती है। बाप की सहयोगी वही बन सकती है जिसमें प्योरिटी की पावर जाती होगी। योग अपनी जगह पर है और ज्ञान अपनी जगह पर है। लक्ष्मी में इतना ज्ञान न होने के कारण से ऐसी नारायण को ऐसा सहयोग देते हैं? लक्ष्मी में ज्ञान होता नहीं है, लेकिन ज्ञान के प्रति मान है या नहीं है? मान है, मान है, और मान जो सदैव कायम रहता है, इसलिए लक्ष्मी से धन मांगते हैं, क्योंकि उस लक्ष्मी के ज्ञान में ज्ञान मान सरोवर का मान समान छुपा हुआ है, और आत्माओं में उतना मान नहीं है, उतना शुद्ध ज्ञान जल नहीं है। ये बाप को पहचानने के बाद आएंगे बाप? हाँ जी, ऐसा पहचान भरी हुई हो बुद्धि में, ऐसी पहचान हो जो जन्म जन्मांतर एक की ही शान में रहे, एक से अलग न होने दे, अभिविचारी बना करके रहे, ऐसा ज्ञान चाहिए। लेकिन अष्टदम में भी बाबा दूसरे नंबर तो अंत तक साथ रहेगा ना, तो बाबा के साथ ही देता है।
हाँ जी लेकिन राजा बनने वाले तो व्यभिचार बनते हैं। राजाएं बनने वाले जो हैं वो स्वतंत्र राजाएं बनते हैं या किसी के अधीन रहते हैं? स्वतंत्र राजा अधीन नहीं रहते। एक विश्व का महाराजा ऐसा है जो किसी के अधीन नहीं होता है और बाकी जो भी राजाएं होते हैं वो कोई न कोई के अधीन होते हैं। जब अधीन ही बनना है तो इस जन्म में और के अधीन, अगले जन्म में और राजा के अधीन ऐसे क्यों बने? लेकिन तो कई जन्म बाप के ही अधीन बनते हैं ना बाबा, क्योंकि संगम युग में ज्यादा समय उसका सहयोग दिया है। सहयोग दिया है लेकिन आखिरी जन्म में गिरना भी तो होता है। वो तो ड्रामा प्लान सर, हर एक गिरना ही पड़ता है। तो ऐसे ही अगर गिरना ही है तो बाप की तरफ गिरें, अगर नहीं गिरना है तो माँ बाप के बनकर गिरें। भारत में कन्या की शादी हो जाती है, अगर कारण या अकारण वहां से गिर जाती है तो कहाँ जाती है, कहाँ ठिकाना है? माँ बाप ही ठिकाना है। अगर दूसरा ठिकाना लेती है तो दूसरी शादी करनी पड़े, क्योंकि कन्या के लिए माँ बाप के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है। और बाबा अमृत वेल योग शरीर बोलते हैं ध्यान करने कोशिश कर रहा है लेकिन वो तो शक्ति नहीं मिल रहा है, अमृत वेला उठने के लिए शक्ति नहीं मिल रहा है। ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सहयोग उतना ही मिलेगा जितना बाप को तन अर्पण करेंगे, मन अर्पण करेंगे, धन अर्पण करेंगे, समय अर्पण करेंगे, संपर्क अर्पण करेंगे, अपने संबंधियों को स्वाहा करेंगे ईश्वर में, ईश्वरीय ज्ञान में, उतना ही सहयोग मिलेगा। एक हिंदी में मुहावरा है, हद लगे न फटकरी रंग चोखो आवे। रंग अगर गहरा डालना है तो हल्दी और फिटकरी ज्यादा डालते हैं तो ज्यादा गहरा रंग आता है। हल्दी भी न डालें और फिटकरी भी न डालें तो रंग गहरा नहीं होगा। रंग चौबीस घंटे अमृत वेला समय हुआ। चौबीस घंटे को अमृत वेले में समा देंगे, आत्मा बन गए अमृत वेले में। बेहद के अमृत वेला है सतयुग का सवेरा, वहाँ आत्मिक स्थिति होती है 24 घंटे या देवान की स्थिति होती है, तो 24 घंटे के लिए आत्मा बन गए। फिर काय के लिए 24 घंटे आत्मा? अमृत वेले की बात कर रहे हो। अमृत वेले तब कहेंगे आपका जब आप 24 घंटे बिंदी को याद करें, नहीं तो अमृत वेला नहीं, देवान का वेला है। हाँ जी
राम राम आदि राम तो आदि में फेल हुआ। जो आदि में होती है वो अंत में होता है, वो नियम है, ये फैक्ट है, फैक्ट है। तो राम के बारे में जब अंत में तो फेल होना का मतलब वो राधा कृष्ण को मन ब्रह्म सरस्वती को जन्म देने के लिए वाइब्रेशन द्वारा गिरना है ना, है वाइब्रेशन 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 द्वारा तो गिरना है नहीं। शुरुआत में ज्ञान नहीं था इसलिए गिर गए, लेकिन जो अंत में होते हैं तो आज से अंत होता है। हाँ जी, जो आज से होता है वो अंत में होती है। हाँ, माना उसका अंत में फेल होना माना मैं ये समझ रहा हूँ वो वाइब्रेशन से, क्योंकि प्रक्रिया सृष्टि प्रक्रिया तो नीचे नीचे कहते हैं ना, एक वाइब्रेशन द्वारा और दूसरे है नयनों द्वारा, तीसरे है बाहु द्वारा, ऐसे ऐसे गिरते हैं ना प्रक्रिया। हाँ जी, तो इसी हिसाब से तो नीचे गिरना माना तो वाइब्रेशन से राम जन्म देता है ना, तो राधा कृष्ण संगम युग में बच्चे माँ बाप के ऊपर जीत पाते हैं तो बच्चे बनते हैं, जीत पाई है तब बच्चे बने हैं। तो यज्ञ के आदि में ही शूटिंग हो गई, वो स्थाई रहे ब्रह्मा सरस्वती और राम सीता फेल हो गए, इसलिए उन्होंने जीत पाई तो बच्चे बन गए। जो माँ बाप होते हैं वो दास दासी बन जाते हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चों ने पूर्व जन्म में जीत पाई है। संगम के जो आदि में होगा सो अंत में भी होगा, आदि में सूक्ष्म रूप था और अंत में स्थूल रूप हो जाता है बच्चों का। बाप की माना राम बाप की अंत में माना आदि में फेल हुआ तो अंत में फेल होना है, तो नियम में अनुसार किस रूप में वो फेल होता है अंत में? सूक्ष्म रूप में फेल होना अच्छा या स्थूल रूप में फेल होना अच्छा? स्थूल रूप में फेल होना तो वो तो जितना जितना सूक्ष्म होते हैं उतना उतना पावर होती है ना, पावरफुल होती है। हाँ जी, यहाँ संगम युग में है हमारी चढ़ती कला और वहाँ होती है 5000 साल उतरती कला, परमधाम से नीचे उतरे चढ़ेंगे नहीं, फिर क्या होगा, उतरते ही चले जाएंगे, उतरते ही चले जाएंगे। और सदा कायम तो शिव बाबा है इस दुनिया में, कोई सदा कायम की चीज नहीं है, सदा कायम तो शिव बाबा है, लेकिन शिव बाबा को साकार और निराकार को मेल को शिव बाबा था, वो साकार और निराकार की मेल सिर्फ थोड़ा समय के लिए आए, ज्यादा से ज्यादा संगम को 100 साल बताया बाबा ने, लेकिन जिस व्यक्तित्व की तरफ तो सदा कायम शिव बाबा है, जिस व्यक्तित्व तरफ से वो इशारा दिया, वो सदा काल माना शिव बाबा माना सदा स्वस्थिति में रहने वाला, लेकिन वो अंत तक ये स्वस्थिति निभाते हैं बाबा, शिव बाबा अपने व्यक्तित्व में अंत तक निभाते हैं, वही सूत्र बनते हैं ना, कलि कलि आते हैं पहले ब्राह्मण पहले देवता क्षत्रि वैश्य और शूद्र, तो इसलिए तो जिस व्यक्ति तरफ में वो इशारा दिया उनको शिव बाबा कहना सही है क्या? सारा कायम शिव बाबा इस औरों के मुकाबले 500-700 करोड़ के मुकाबले स्वस्थिति सबसे जाती किस में स्थायी रहती है? जो मकर तन में प्रवेश करते हैं सुप्रीम सोल इसमें है, जो मकर तन में जो सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं उसमें होती है, इसीलिए सदा कायम है। लेकिन सदा लेकिन शिव तो सदा स्वस्थिति में रहने वाला है ना बाबा, औरों के मुकाबले ज्यादा से जाती कंपैरिजन में, तो कंपैरिजन में ही शिव बाबा है एवर प्योर, और आत्माओं के मुकाबले
जैसे प्रजापिता में कहेंगे कि बैटरी की पावर भरने की ज्यादा है, ऐसे ही सुप्रीम सोल भी एक बड़ा बैटरा है, जनरेटर है जिसमें कभी भी पावर खत्म होती नहीं, और आत्मा में पावर खत्म होती है और सबसे जास्ती खत्म होती है प्रजापिता में, अंत में। सुप्रीम सोल में प्रवेश करने की पहले के समय हो? हाँ जी, पहले समय में नहीं, लास्ट में जाकर जब दुनिया का विनाश होता है। सबसे जास्ती तमो प्रधान दुनिया में कौन बनेगा? जो पहला ब्राह्मण है वही पहला सूत्र है। ज्यादा तमो प्रधान बनेगा तो ज्यादा विनाश करेगा, थोड़ा तमो प्रधान होगा तो थोड़ा विनाश करेगा। विनाश के लिए शंकर को निमित्त है। हाँ जी, हाँ जी, जब बौद्ध धर्म स्थापन होते हैं वहां पर इब्राहिम आने के बाद 250 वर्ष के बाद, और सिद्धार्थ में जो बुद्धि किशोर प्रवेश करते हैं वहां पर बौद्ध धर्म, वो सिद्धार्थ की पिता हुआ शुद्धोधन, और शुद्धोधन का पिता हुआ तो प्रजापिता ये बिंदुसार वो उसका नाम है। ये शुद्धोधन बनने वाला कौन है? मनन मस्तदेव में तीसरा दूसरा नंबर जो है वो, क्योंकि चार धर्म की चार राम लक्ष्मण भरत चतुर्थे नंबर में, हाँ जी, तो वो दूसरे नंबर मस्तदेव में जो दूसरे नंबर है वो पिता बनती है, या बौद्ध धर्म में जो 12 बीज रूप है उसमें जो पहला नंबर पिता बनती है कौन बनती है? शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता, क्योंकि ये चार धर्म के बीज है ना, राम लक्ष्मण भरत चतुर्थे। सिद्धार्थ है नारायणी आत्मा, आधार मूर्त, जड़ों पर बैठी हुई आत्मा, वो तो उसमें बुद्धि प्रवेश करती है सिद्धार्थ, और जड़ को जन्म देने वाला है बीज। वो बीज कौन? ये नष्टदेव ने जो अनेक प्रकार के बीज हैं, उनमें से एक बीज है जो उसको जन्म देता है, और वो मुख्य बीज है। मतलब 12 ग्रुप में नारायण वाली जो आत्मा महात्मा बुद्ध का जन्म देने वाला, वो महात्मा बुद्ध जिसमें प्रवेश करते हैं, वो नारायणी वाली आत्मा को जन्म देने वाला है बीज। हाँ जी, वो कौन बनती है? बुद्ध धर्म की बीज माना ज्ञान के अनुसार राम बाप है सनातन देव देव धर्म, और भरत है इस्लाम, और लक्ष्मण है बौद्ध, कृष्ण, ये चार धर्म मुख्य है ना? चार मुख्य बीज है जिनको भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कहा गया है। माना तो लक्ष्मण आत्मा जो है वो उसका पिता बनते हैं माना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आधार मूर्त का भी पिता है। क्या लिखा है? पढ़ के समझ करके जवाब दो, बिना समझे नहीं। इंचार्ज को दे दो। हाँ, सबसे सहज याद है नारायण को याद। हाँ जी हाँ जी, लेकिन नारायण है स्वदेशी है ना बाबा? नारायण है स्वदेशी है ना? स्वदेशी, लेकिन अब
बाप विदेशी बनकर आया है। भले तो वो नारायण बनने वाले आत्मा में 76 में उसकी बौद्धिक रूप में ये तो निश्चय पक्का हो मैं तो नारायण बनने वाला है, लेकिन वो अंत का गायन है, अंत का गायन है ना बाबा। नारायण माना अभी नारायण नहीं बना है ना, लेकिन लेकिन बुद्धि में ज्यादा निश्चय किसको है? निश्चय है बाबा, तो निश्चय के आधार पर विजय भी है जरूर होता है, लेकिन जब तक प्रजा है तो प्रजा प्रजापिता भी पतित होता है ना महाराजी। तो सहज याद नारायण यानी शिव बाबा, शिव बाबा को याद करना नारायण को याद करना, इसमें दोनों अलग नहीं होती है। लेकिन शिव बाबा की मतलब है ना प्रजापिता, नाना पतित सेन में पावन को याद करना है। और नारायण हो गया है पावन सुप्रीम सोल सिंह नहीं होती है जो नारायण बनती है। ये कैसा मना कैसा समझना है? अभी हमको पता है ना कि नारायण कौन है, लेकिन अभी का स्वरूप नहीं है। अभी भी हमको पता है ना कि सबसे जास्ती याद में कौन टिकता है? नारायण बनने वाला आत्मा टिकता है। अभी भी टिकता है तो उसके संग करेंगे से अभी भी हम पावन ही बनेंगे या पतित बनेंगे औरों के मुकाबले? अगर उसको याद नहीं किया और कोई दूसरा है, बहुत योगी है, बहुत सर्विसेबल है, बहुत ज्ञानी है, बहुत धारणावान है, मान लो उसको याद किया तो उसकी याद से हम उतने पावन बनेंगे जितना नारायण को याद करने से बनेंगे? ऐसे वो नहीं होने की संभावना नहीं है, संभावना नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है वो भी एक ज्योतिष शास्त्र है। सिर्फ अकेला ज्योतिष शास्त्र नहीं है, उसमें सारी दुनिया का ज्ञान समाया हुआ है। तो ज्ञान ही जब ये कहता है कि ये है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंची से ऊंची, तो उसको याद करेंगे तो ऊंची ही बनेंगे। बल देखने में आता है कि ये ऊंच है लेकिन काम तो नीच कर रहा है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है हमारी बुद्धि में जो हम समझ सकें कि वो नीच काम कर रहा है या ऊंच काम कर रहा है। और आत्माओं के मुकाबले उसका नीच काम भी ऊंच काम है, क्योंकि बाप गारंटी देते हैं ये कुछ भी कहता है कुछ भी करता है उसका जिम्मेवार रामकृष्ण दोनों के लिए बोल रहा हूं, तो परिणाम अच्छा ही निकलेगा। हाँ घर में गीता पाठशाला चलता है, पहले चलता था अब नहीं चलता, ऐसा संगठन चल रहा है। हाँ कह रहे माता जी वो पति नहीं चल रहा, पति नहीं चल रहे, पति नहीं चल रहे माने क्या? ज्ञान में नहीं चल रहे, ज्ञान में नहीं चल रहे, इनको भी मना कर रहे, मना कर रहे, क्लास में नहीं आते, क्लास घर में ही होता है, इनके घर में ही होता है, क्लास में आने वालों को मना कर रहे, इनको भी मना कर रहे, आने वालों को झगड़ा कर रहे, झगड़ा ले हुए बच्चे वाले नहीं, आने वालों को मना नहीं करते है? आने वालों को मना नहीं करते, इनको अकेले में मना करते हैं, ये नहीं मानती, इनका हक है कि हम ईश्वर को गुरु मानेंगे, तुमको नहीं मानते, ये सब आने वालों को मना नहीं करे, आगे दे तो मतलब ये सब आने दे वो इनको अकेले में मना करता है, आने वाले जिज्ञासुओं को मना नहीं करता, ये मने करने को नहीं मानती क्योंकि ये उसको गुरु नहीं मानती, ये भगवान को गुरु मानती है। मुश्किल क्या होता है? अगर इनको मुश्किल होता है तो जिज्ञासुओं को आना मना कर दे तो ईश्वर गुरु नहीं। और घर घर में झगड़ा है, कोई इनके अकेले घर में झगड़ा है क्या? कौन सी गीता पाठशाला है जिसमें पति दुर्योधन दुशासन नहीं है? अगर ये मना करती है तो मतलब बाबा को भगवान नहीं मानती है, गुरु नहीं मानती है, यहाँ आने के लिए मना करते हैं लेकिन वहाँ क्लास करने से मना नहीं करते हैं। तो क्लास चलाते रहो, और यहाँ आने के लिए भी मना करते हैं तो इनमें ताकत होगी तो आएंगी।
नहीं ताकत होगी तो बंध जाएंगी, ताकत होगी तो कोर्ट में चढ़ जाएंगी। हमको ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देता। पुष्पा माता की तरह कोर्ट में चढ़ करके लिखवा लेंगी कि इनको जाने देना है, मंदिर मस्जिद गिर जाकर जहाँ भी जाना चाहे जाने दो। ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, विष्णु और वैष्णव है, वैष्णव विष्णु वैष्णव है जी, सिर्फ सेव एकमात्र बढ़ गया है। ऐसा भारत और भारत इसमें कोई जी कैसा बाबा, भारत माने भरण पोषण करने वाला इस्लामी जो पहला इस्लामी वाला की जो बीज है। द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक दुनिया में सबसे जास्ती राजाई कौन से धर्म ने की? इस्लामी। तो वो विश्व का भरण पोषण करने वाले हो गए, मतलब बाप को भी भारत को भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया। और संगम युग में भी जब ज्ञान सूर्य बाप उदय होता है 76 में, तो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा ही सबसे जास्ती उस विश्व पिता का भरण पोषण करती है, मदद देती है। उतना और दूसरी आत्माएं मदद नहीं देती, उतना भरण पोषण नहीं कर पाती, इसलिए उसी को लकवा मिलता है भरण पोषण का। भरत माने भरण पोषण करने वाला विष्णु, तो द्वापर कलयुग में विष्णु कौन हो गया? वो हो गई आत्मा, वो द्वापर कलयुग का विश्व भरत है, सतयुग त्रेता का भरत नहीं है। जो सतयुग त्रेता में है वो ही फिर द्वापर कलयुग में आके भरत बन जाता है। कैसे? वो भरत बनने वाली आत्मा सतयुग में कौन भरत बनती है? अरे भरण पोषण करने वाली सतयुग में कौन आत्मा है? पहले नारायण हुआ ही ना बाबा, राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण वाली जो आत्मा है वो भरत है, भरण पोषण करने वाली है ब्राह्मणों की दुनिया में। ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों का भरण पोषण कौन कर रहा है इस समय? ब्राह्मण तो एडवांस में भी हैं लेकिन मुट्ठी भर हैं, और ब्राह्मण बेसिक में भी हैं लेकिन ढेर के ढेर हैं, लेकिन उनका भरण पोषण करने वाला कौन है? ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा। और उनका पहला पॉलिटी का बच्चा कौन है? भारत। हाँ जी, सत्युग त्रेता में नहीं, संगम में, स्वर्णिम संगम युग में। अच्छा। हाँ जी, ज्ञान का भी भरण पोषण वही करता है सबसे जास्ती, जिसे सनत कुमार नाम दिया गया, सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त भी वही बनता है, जिसे भारत कहा गया, वही भी शुभ का भरण पोषण करने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जो ही इसका बच्चा है, भरत का बच्चा है। और झाड़ के चित्र में भी माना तो इब्राहिम की सोल तो भारत की और तो मुख किए हुए बैठी है, कारण यही है। हाँ जी, सन्मुख है, विमुख नहीं है अंदर से। बाबा अभी तो ब्रह्मा शंकर पर सवार कर रहा है, स्वयं तो शंकर पर सवार कर रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो सवार वही कर सकता है जो शक्तिवान होता है, जो पावरफुल होता है वो सवारी करता है, जो कमजोर होता है वो सवारी बन जाता है। तो किसका रंग कैसा लगता है? शिव किस में प्रवेश करता है? शंकर। अरे बैल में प्रवेश करता है शिव, बाप के रूप में।
या सवारी में करता है? आपके रूप में तो दैत्य रूप नहीं है ना बाबा, मनुष्य में प्रवेश करती है। शिव प्रवेश किस में करता है, बैल पर प्रवेश करता है या बैल पर सवार होने वाले में प्रवेश करता है? बैल पर। तो ज्यादा शक्तिवान कौन है? वो भूल जाता है, ब्रह्मा याद रह जाता है। लेकिन सवार करने की बात नहीं आती है ना बाबा, तो यहाँ सर्वशक्तिमान होने की बात आती है, ज्यादा शक्तिशाली कौन है? जिसमें शिव प्रवेश करती है वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो सवार करने की बात नहीं है। क्यों नहीं? अगर सवारी नहीं करता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। ब्रह्मा को प्रजापिता की मतलब, तो अभी प्रजापिता में ब्रह्मा प्रवेश कर रहा है ना? ब्रह्मा प्रवेश कर रहा है, ब्रह्मा की वैल्यू नहीं, ब्रह्मा की भक्ति मार्ग में भी वैल्यू नहीं, शिव प्रवेश कर रहा है इसलिए वैल्यू है। इसलिए सर्वशक्तिवान का संग है ये बुद्धि में रहना चाहिए, ब्रह्मा का संग है ये बुद्धि में नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मा को भी वो भाव होना चाहिए ना बाबा। क्या सर्वशक्तिमान में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, वो भाव होना। मैं प्रवेश कर रहा हूँ लेकिन मेरी पावर के आगे वो पावर सुपर है। जिसमें मैं प्रवेश कर रहा हूँ, बैल जिसमें अभी प्रवेश कर रहा है और जिसमें वो और बैठा हुआ है बाप सुप्रीम सोल, उसके सामने मेरी नहीं चलती है, सिर्फ एक बात में चलती है, विकारी बनाने की बात में। उसकी मन बुद्धि को कंट्रोल करने वाला शिव है या ब्रह्मा है? शिव है। और शरीर को कंट्रोल करने वाला प्रजापिता के शरीर को कंट्रोल करने वाला कौन है? ब्रह्मा है। और मन बुद्धि को कंट्रोल करने वाला कौन है? शिव है। जब मन बुद्धि पावरफुल बन जाएगी तो ब्रह्मा कुछ नहीं कर पाएगा। ये समय अभी तक नहीं आया। हाँ जी, वो मन रूपी घोड़ा कहा जाता है। हाँ जी, घोड़ा कहो बैल कहो बात एक ही है। और बाबा नारायण, तो नारायण माने तो संपन्न श्रेष्ठ है ना? नारायण, नारायण माने नार माने जल, आयन माने घर। जो ज्ञान जल में ही रहता है, दुनियावी बातों में जिसकी बुद्धि नहीं जाती, वो नारायण है। शास्त्रों के मुकाबले, शास्त्रों में जो अर्थ दिया हुआ है उस हिसाब से, एक एक शब्द का अर्थ है। और नारायण को सांपों की शैया पर लेटा हुआ दिखाता है, आराम से रहता है, लेकिन सांप की निशानी है विकारी। हाँ हाँ, जिसका आधार लेता है वो बच्चे विकारी हैं या निर्विकारी हैं? जिन बच्चों के द्वारा कार्य करा रहा है, सेवा करा रहा है, वो बच्चे सांप की तरह विकारी हैं या निर्विकारी हैं? उनका आधार लेके आराम से पड़ा हुआ है, उनका असर उसके ऊपर नहीं होगा, उसका असर उनके ऊपर होगा। दस इंद्रिया, दस धर्मों की, दस धर्मों से कनेक्ट है ना बाबा। जो दस इंद्रिया होती है शरीर में, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, पांच पांच, तो दस इंद्रिया ये दस धर्मों से कनेक्ट है और उसका कंट्रोल है बाबा, बाप है। मतलब कैसा दस इंद्रिया दस धर्मों के कैसा कनेक्शन है? एक होली में बोला है दस इंद्रिया दस धर्मों से कनेक्टेड है। हाँ, करो कनेक्ट। कैसा कनेक्ट करो? श्रेष्ठ इंद्रिया होती है और दृष्टि इंद्रिया भी होती है, और मन नहीं होता है।
मन होती है तो मन तो जगाने वाले हैं, जगाने वाला है। जैसे दस धर्म पिताए हैं और दस इंद्रियां बता दी, दस इंद्रियां बता दी, दस धर्म बता दिए, तो धर्म पिताएं कितने हैं? दस हैं, ग्यारह हैं। धर्म पिता दस हैं ना। जो मन बुद्धि रूपी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है वो कहाँ चला गया? वो तो बारह इंद्रियां तो मन है ना। बारह कहाँ से आ गए? हाँ, ग्यारह इंद्रियां हैं। ग्यारह इंद्रियों में सबसे जास्ती पावरफुल मन बुद्धि है। तो जो मन बुद्धि है वो तो स्वयं बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है, वो ही सनातन धर्म स्थापन करता है, उसका कनेक्शन है उससे। ये सनातन धर्म दस धर्मों में भाग है ना, पार्ट है ना? है पार्ट है। लेकिन उसको कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर तो बाप है ना? बाप है कंट्रोलर। इसलिए मन बुद्धि जो है वो बहुत प्रधान है दसों इंद्रियों के बीच में। सतयुग के आदि से होता है सनातन धर्म, सतयुग के आदि में पहले नारायण का वास है जो आठ जन्मों तक चलता है जिसका राज्य, और संगम में सुप्रीम सोल है जो बुद्धिमानों की बुद्धि है। इसलिए दस इंद्रियां हैं लेकिन उनको कंट्रोल करने वाला ग्यारहवीं इंद्रिया अलग है। और अभी जो यज्ञ के खाना को महत्व नहीं देते हैं, यज्ञ के भोजन को ठुकराते हैं, फेंक देते हैं, नखरे नशीन बन जाते हैं, उनकी क्या शूटिंग हो रही है? तो सीधी सी समझने की बात है, यज्ञ का भोजन है ब्रह्मा भोजन, और ब्रह्मा का डायरेक्ट कनेक्शन है बाप के साथ। तो ब्रह्मा भोजन को जो ठुकराते हैं उनका 63 जन्मों में क्या हाल होगा? भोजन नहीं मिलेगा, जंगलों जंगलों में भटकते रहेंगे भोजन की तलाश में। ये बात अंत में जाकर के उनको पता चलेगी कि हमने ये क्या किया। जब 84 जन्मों के पार्ट खोलेंगे, लेकिन समय होता है हैं? समय होता है ना, तो पाप तो किया है वो उसका फल जरूर भोगना पड़ता है। वो बात अभी समझनी चाहिए ना, समझने की बात है। बाबा ने स्पष्ट बताया तो एक से जो मिलता है वो बहुत प्यार से खाना है। हाँ जी, भक्ति मार्ग में जो भी भगवान का प्रसाद बांटा जाता है, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है चाहे कैसा भी है, बड़े प्यार से खाते हैं सर माथे पर लगा करके। है कोई से ओपनिंग कराना है तो उनको ज्यादा खिलाना नहीं है, ज्यादा उनकी आव भगत नहीं करना है, सिर्फ टी ऑफर करना है, इतना खाते उनको नहीं देना है बस। लेकिन बाबा तो ये ओपनिंग कराना है, ये कॉन्फ्रेंस कराना है, तो वो तो भक्ति मार्ग तो बीके की काम है ना, तो हमारा काम नहीं है। आपने हद की ओपनिंग क्यों समझ ली? हाँ जी, माना स्वर्ग स्थापना के बारे में है ना, जो स्वर्ग स्वर्ग स्थापना के बारे में, जो नई दुनिया है उसकी ओपनिंग कौन करेगा? है द्वारा बाप करेंगे ना। तो फिर बाप की तुम क्या खातिरी करेंगे?
बाप की जो चाह है वो चाह पूरी कर देंगे। बाप की चाह क्या है? हाँ, बाप की जो चाह है सो पूरी करो। लेकिन यही चाह पानी हो गया। बाप का मान मर्तबा, बाप की इच्छा पूरी नहीं करेंगे, बस हो गया। और तो बाकी कुछ है, उसको चाहना ही नहीं है। और लेकिन जो भाव से जो करते हैं बाबा, वो तो बाप को बाबा स्वीकार करते हैं ना। हाँ हाँ, तो बाप की इच्छा पूरी करना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। शंकर का जटाजूट, गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकलती हुई दिखाई है, इसका क्या मतलब है? गंगा माने क्या? ज्ञान जल, ज्ञान जल की धारा। ये ज्ञान जल की धारा कमंडल से निकली। कमंडल क्या चीज है? ये खोपड़ा क्या है? है ये कमंडल है, कपाल, जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। वो किसका कपाल है? जहां से मुरलियां निकली? नहीं, वो कपाल कौन सा है? वो कमंडल कौन सा है जिस कमंडल से मुरलियां निकली? ब्रह्मा का कमंडल है, वो ब्रह्मा का खोपड़ा है कमंडल। उस कमंडल से ज्ञान की धारा निकली और कहां समा गई? शंकर की जटाओं में समा गई। वो जटाएं भी काय में से निकलती है, वो खोपड़े में से ही निकलती है। वो जटाएं हैं, ज्ञान जल नहीं है। ये नाखून और ये बाल, ये शरीर का खराब अंग बाहर निकलता है या अच्छा चीज बाहर निकलती है? ये जटाएं, ये बाल और ये नाखून, ये शरीर के अंदर से अच्छी चीज बाहर आती है या बेकार चीज बाहर आती है? बेकार चीज है। जैसे शास्त्र बिल्कुल बेकार हैं, कोई काम के नहीं, ऐसे ये नाखून और बाल बेकार हैं। ये शंकर की जटाएं माने भक्ति मार्ग। क्या? शंकर की जटाएं माने भक्ति मार्ग। जो बड़े बड़े साधु सन्यासी होते हैं, पुराने पुरनखंडी, उनकी जटाएं दिखाई होती हैं बहुत उलझी हुई। उलझी हुई जटाएं माने उलझा हुआ ज्ञान। जटाएं सुलझी हुई हैं या उलझी हुई हैं? शंकर की जटाएं माने उलझा हुआ ज्ञान है शास्त्रों का, कोई काम का नहीं है। वो जटाएं जब कमंडल में से, ब्रह्मा के कमंडल में से ज्ञान की मुरलियों रूपी गंगा, ज्ञान गंगा आती है, तो वो जटाएं खुल जाती हैं। सुलझ जाती है, वो गंगा आकर के उस खोपड़े में समा जाती है। फिर दोबारा भागीरथ को तपस्या करनी पड़ती है। तो जटाओं में से गंगा निकल करके बाहर आए तो पुरखों का उद्धार हो जाए। बाबा '87-'88 वो सब बताने के लिए नहीं। हाँ, मैं ब्रह्मा को नरक की दुनिया में 100 साल पूरी होगी। 87-88 में ब्रह्मा को नरक की दुनिया में 100 साल पूरा हो गया और अमरलोक में चला गया। आ गया तो अमर माना
निश्चय हो जाता है। माया नहीं मरने वाला नहीं। तो निश्चय माना ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन और शंकर कौन है, तो अभी तो उसका उसका निश्चय नहीं हुआ ना ब्रह्मा को। ब्रह्मा को अभी तक निश्चय नहीं हुआ, तो ब्रह्मा कौन और विष्णु कौन और शंकर कौन निश्चय हो जाना माने जन्म में आ जाना और मृत्यु हो जाना माना अनिश्चय होना, खलास हो जाना। वो पीपल के पत्ते पर ज्ञान गर्भ में तो आया, वहां जन्म हुआ एक प्रकार का, लेकिन 98 में क्या हुआ, अज्ञानता की जेल में गया या बाहर आ गया? 98 में अज्ञानता की जेल में चला गया, ये फिर जन्म मरण का चक्र शुरू हो गया। और सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में कौन आता है, ब्रह्मा की सोल आती है। हाँ। 138 की वीसीडी में बोला है प्रश्नोत्तर में क्यों टाइम वेस्ट करते हो, बाप को याद करो। ठीक है, बाप को याद करते करते बुद्धि सूक्ष्म बनती है, सूक्ष्म बुद्धि बनेगी तो हर प्रश्न का जवाब खुद ही मिल जाएगा। तो ये क्लास में तो समय तक कोई प्रश्न पूछा नहीं, तो अब बाबा ने पूछा है क्या भक्ति मार्ग हो गया, क्या भक्ति मार्ग में गुरु लोग तो मौका नहीं देती है, वो सुनने के काम है, होती है सब, ये बोल दिया बाबा। ये कोई भक्ति मार्ग थोड़ा ही है, ये तो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में कहा जाता है अगर कोई कचरा अंदर है तो अंदर नहीं रखना है, क्या करना है बाहर निकालो। वार्तालाप प्रबंध किया बाबा ने जी, वार्तालाप तो इसलिए प्रबंध किया ना जी, भले तो अभी तो आपने है तो प्रश्न चित्त नहीं बनो, प्रसन्न चित्त बनो। हाँ जी, लेकिन एक 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 प्रश्न की बाबा इच्छा इच्छे करके तो विवरण देती है, तब खुशी बढ़ती है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, खुशी ले लो, ले रहे हैं। हाँ बाप है आदि सनातन देवी देवता धर्म की बीस, सूर्य वंश और चंद्र वंश सनातन देवी देवता धर्म, लेकिन रुद्रमाला एक तरफ रुद्रमाला के हेड को जगदम्बा का निमित्त किया, रुद्रमाला के हेड नहीं हा? और जगदम्बा का मुखिया कौन है? अरे जगदम्बा विधवा है कि सधवा है? तो बाप तो मतलब माता इनको आगे रखते हैं ना बाबा? रखते हैं, आगे रखने का ये मतलब नहीं है कि सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाए, अपना अपना धर्म पालन करना है या नहीं करना है। फिर तो जगदम्बा को चंद्रवंश की बीज बोला है ना बाबा है, चंद्रवंश की बीज है जगदम्बा है ना? हाँ जी। तो किस रूप में माना, तो ब्रह्मा की आत्मा इसमें प्रवेश करने के कारण से ही बोला है? नहीं, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, तो तू पृथ्वी है कि नहीं? पृथ्वी बाप पृथ्वी है, तेरे पर बाप की तरफ इशारा है ना। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, मतलब बाप की तरफ, तो बाप पृथ्वी है कि नहीं है? जब पृथ्वी है तो पांच तत्वों का आगार भी हो गया, पांच तत्वों का आधार है, तो बाप प्रकृति का आधार लेता है या नहीं लेता है? लेता है। तो प्रजापिता का आधार लिया तो पृथ्वी हो गया, फिर उससे पैदा कौन हुआ पहले? पहले जगदम्बा पहले पैदा हुई तो चंद्रमा हो गई। परंतु वो है स्थूल चंद्रमा का रूप, आत्मा नहीं है,
उसके अंदर आत्मा है ब्रह्मा, जगदम्बा में जो ब्रह्मा किशोर है। हाँ, जगदम्बा हो गई डब्बा। हाँ जी, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो ब्रह्मा दादा लेकर नहीं है ना, शरीर छोड़ दिया तो अब जगदम्बा को ब्रह्मा कहते हैं, बड़ी माँ। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक रूप में होगी और पालना दो रूप में होगी। बाबा ने मुरली में कहा पालना विष्णु रूप से होती है या सिंगल रूप से होती है? पालना का रूप कंबाइंड है या पालना सन्यासियों से होती है? तो ब्रह्मा तो सन्यासी है, उसकी प्रवृत्ति तो है ही नहीं। स्थापना भी स्थापना ऐसा कह दिया कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक रूप में होगी और पालना दो रूप में होगी। जगदम्बा कहे तो जगत पिता भी होता है ना, इसलिए दो रूप में पालना होगी। बिल्कुल। तो स्थापना तो एक रूप में होगी। एक रूप माना क्या? एक रूप का मतलब ये है कि जो सहन शक्ति वाली आत्मा है वही प्रवेश करके स्थापना करती है। कौन है सहन शक्ति वाली आत्मा? कौन है जगदम्बा में? मम्मा। वो स्थापना करती है, ब्राह्मण धर्म को थमाती है, वृद्धि कराती है। तो पालना में फिर एक से पालना नहीं होगी, पालना के लिए बाप भी चाहिए। तो दोनों के संस्कार जब माँ बाप दोनों के मिलते हैं तो विष्णु बन जाता है, तब पालना होती है। स्थापना के लिए भी दो चाहिए बाबा? नहीं, स्थापना के लिए दो नहीं चाहिए। बीज पड़ गया माने स्थापना शुरू हो गई। तो बीज के लिए पुरुष होना चाहिए ना? वो तो हो गया पहले ही, यज्ञ के आदि से ही बीज पड़ा हुआ है।